125 पे 6 करने वाला हूँ फुल डेप्थ के साथ रिकवरी के बाद, बट साली लाइट ही चली गई। चल चल उठ, बहुत दूर जा रहे और अब तो बहुत दूर जाना है, चल उठ। रुकना नहीं है, जो मर्जी हो चलो। Hi YouTube family, I hope you guys are doing well. So we will be starting our vlog with a positive mindset and the positive energy. So कैसे आप सब, I hope सब बढ़िया होंगे। तो बस अभी मैं उठा था थोड़ी देर पहले, तो मेरा एक पार्सल आया हुआ है। ये मैंने हेडफोन्स मंगवाए थे, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैंने खोला नहीं है तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तो अनबॉक्सिंग हो गई है, अभी कैसे इनकी रिव्यू में जब मैं यूज करने के बाद आपको लोगों को आज वापस आगे बताऊंगा, पर अभी के लिए जिम चलते हैं। जिम चलने से पहले मैं अपनी बेंच की प्रोग्रेस और डेट की प्रोग्रेस जो भी मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाया हूँ, जो मंडे और ट्यूसडे मैंने करी है वो दिखाना चाहूँगा। थर्सडे आज मैंने मंडे को बेंच करी थी, मैंने 3 सेट करे थे थी रेप रेंज वाले, मैंने करे 100 पे 3। देखो फिर करे हैं मैंने 105 पे 3, फिर मैंने करे हैं 110 पे 3। काफी सही हो रही है बेंच की स्ट्रेंथ, रिकवरी बहुत सही हो रही है, गॉड ब्लेस मी, बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है। उसके बाद मैंने ट्यूसडे को डेड करी, पिछली बार जब मैंने डेड लिफ्ट करी थी, ये पिछले ब्लॉग में अगर नहीं देखा तो लिंक आ रहा होगा, अगर वो नहीं देखा तो फटाफट इसके बाद देख लेना तो समझ आ जाएगा। तब मैंने कहा था 174.3 के बाद आगे नहीं बढ़ूंगा, बट इस बार मैं बहुत श्योर था कि स्ट्रेंथ बढ़ी है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और पेन भी कम हो रहा था बैक में, तो मैंने 174.3 तो सेकेंड सेट करा। उसके बाद मैंने करा 180 पर 3, ये देखो, और काफ़ी सही फॉर्म के साथ ग्लूट्स इन्वॉल्वमेंट समझ आ गई है वो कैसे आ रही है। वो मैंने इससे पहले सैटरडे मैंने स्नैट डेडलिफ्ट ऐड करी थी, वो क्या है, कैसे हेल्प कर रही है, वो जो इस सैटरडे ब्लॉग आएगा उसमें आपको दिखा दूंगा मैं स्नैट डेडलिफ्ट क्यों ऐड करी अपने वर्कआउट में और वो कैसे हेल्प करने वाली है मेरी डेडलिफ्ट की ग्रोथ में, तो आपको तब पता लग जाएगा। आज हम करने वाले स्क्वाट्स और साथ में पूरा लेग सेशन, तो वाट लगने वाली पूरी। 2 हफ्ते स्क्वाट्स की प्रैक्टिस नहीं करी, लोअर बैक में थोड़ा पेन है, 4 to 6 रेप रेंजेस करने हैं हमें, तो देखते हैं कैसे जाते हैं हमारे स्क्वाट्स आज, क्या हालत है, 100 किलो भी हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है रिकवरी के बाद, अभी पता लगेगा जाके। तो अभी फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं और अपनी वाट लगवाते हैं लेग्स पे, लेट्स गो।
स्क्वाट्स के बीच में एट चली गई थी, मैंने दो सेट कर लिए थे, लास्ट मैंने करा था 125 फॉर 6 रैप प्रॉपर डेप्थ के साथ, पर लाइट नहीं थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर बाकी का लेग सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे, तो पहले पूरा लेग सेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे भी हम घर, लाइट चली गई थी यार जिम में, काफ़ी सही सेशन में इतना खुश था, 125 पे 6 करने वाला हूँ फुल डेप्थ के साथ रिकवरी के बाद, बट साली लाइट ही चली गई, दिन बढ़िया था बट टाइमिंग बढ़िया नहीं था, पर कोई नहीं, हमारे सेशन अच्छे जा रहे हैं, रिकवरी अच्छी हो रही है, उसके बाद मैंने फुल्ली वर्कआउट करा, मैं सोचा लंबी वीडियो बनेगी बट थोड़ा सीन हो गया, कोई नहीं अभी मैं आया हूँ, अभी मुझे फटाफट खाते नहाते जाना है वापस जिम, क्योंकि पीटी का सेशन है, एक पीटी बीच में फंस गया, वो लेट आया, उसका एग्जाम था, तो 7 बजे आएगा, तो उस चक्कर में मुझे दोबारा जाना, अभी बज रहे 6, तो नहा के खा के फटाफट वापस भागने, और काफ़ी सही हो गया यार, 180 for 3 डेड हो गई है, 110 for 3 बेंच हो रखी है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बट अभी फॉर्म भी बेटर हो गई है, अगली बार स्क्वाट्स के देखेंगे कि 3 रेप कैसे चल रहे हैं, और अभी सैटरडे को मैं स्नैच डेड करने वाला हूँ, स्नैच डेड लिफ्ट, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें पता लग जाएगा, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग अभी शुरू करी है, शुरू करने में उनकी हेल्प करना चाहते हो कि मैं अभी एक बिगिनर लेवल से शुरू कर रहा हूँ, तो जो जो मैं सीख रहा हूँ, अगर आप मेरे पे अपना टाइम लगा रहे हो 10-15 मिनट 8 मिनट दिन के मेरा ब्लॉग देख के, तो आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए अब मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाता था ब्लॉग में ज़्यादा, क्योंकि पहले फिटनेस वीडियोस बनाई है बहुत सारी, उसके बाद अब ब्लॉग में इतनी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाता था, तो एक इन्फॉर्मेटिव थोड़ा ब्लॉग अगला करेंगे, आपको समझाएंगे 2-3 मिनट क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ स्नैच डेडलिफ्ट, तो आप लोगों की मदद हो जाएगी जो शुरू से शुरू कर रहा है, और आज अंधेरा था पर हमने उसमें भी उजाला ढूंढने की कोशिश करी, लाइट चली गई, बट मैंने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा, बहुत गर्मी लग रही थी प्री में, और मैंने आज यार अमोनिया ट्राई करा, मतलब अमोनिया स्मेल करें, तो काफ़ी सही चीज़ लगी यार वो, मुझे मज़ा आ गया, काफ़ी सही नशा था, मतलब यार वर्कआउट के लिए काफ़ी सही नशा था, तो अभी अमोनिया मंगवाऊंगा मैं, बढ़िया चीज़ अच्छी लगेगा लिफ्ट के लिए, अच्छा रहेगा, तो वो भी मंगवाते हैं, अभी बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, सोचा था बड़ा ब्लॉग होगा पर कोई नहीं, कल से रेगुलर बोलूंगा नहीं पर ब्लॉग आएंगे, समझ रहे हो ना, आएंगे, टेंशन मत लो, वापस आ गया आपका भाई, तो कल से रेगुलर ब्लॉग, अभी इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलते हैं आपको कल अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय गाइस, स्टे पैशनेट टुवर्ड्स योर गोल, बाय, ध्यान रखना अपना। अरे भाई किस बात की जल्दी है, रुको जरा, भूल गए, लाइक शेयर और वो सब्सक्राइब का बटन फटाफट प्रेस कर दो, 1 सेकंड लगेगा आपको, कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ बन जाएगा, चलो बाय।